साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल लाइफ लेसन्स बाय गुरुजी पर। इस चैनल के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए इस चैनल पर हम जीवन को सफल और सुगम बनाने वाले विषय पर चर्चा करते हैं और यह सीखते हैं कि चर्चित विषय को कैसे अपने जीवन में शामिल कर अपने जीवन को सफल और सुगम बना सकते हैं। साथियों, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता के अध्याय 10 से हमें क्या सीख मिलती है। अब तक हमने भगवद गीता के 9 अध्यायों पर चर्चा पूरी कर ली है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भगवद गीता की प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप सभी अध्यायों को देख सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 10 में केशव अपने बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं और उसकी कौन कौन सी विभूतियाँ हैं। केशव कहते हैं, ये पार्थ, तू मेरा प्रिय है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। मेरे उद्गम और आदि के बारे में कोई भी नहीं जानता है। मैं अजन्मा, अनादि और सब लोगों का स्वामी हूँ। जो ये जान पाता है संसार में, वही मोह रहित हो जाता है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्य, भयमुक्ति, संतुष्टि, दया, मोह, इच्छा आदि प्राणियों के अलग अलग गुण हैं जो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। संसार के सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, यह सब जानते हुए ज्ञानी लोग मेरी उपासना करते हैं। मैं उनके हृदय में वास करके ऐसा ज्ञान दीप प्रज्वलित करता हूँ जिससे उनके मन का अंधकार दूर हो जाता है। यह सब सुनकर भाविभोर अर्जुन केशव से कहते हैं, भगवान, सब ज्ञानी लोग आपके बारे में यही सब बातें बताते हैं, इसलिए मैं आपकी कही गई सभी बातों को सत्य मानता हूँ। ये परम योगी अपने विभूतियों और रूपों के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। मैं आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से तृप्त ही नहीं हो पा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लगातार आपके बारे में सुनता ही रहूँ। इस पर भगवान अपने रूपों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं केवल अपने प्रमुख रूपों को ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं सभी प्राणियों की आत्मा हूँ, सभी वस्तुओं का आरंभ, मध्य और अंत भी हूँ। मैं सभी वस्तुओं में जो भी शेष होता है, मैं वही हूँ। मैं ही सभी वस्तुओं के उत्पन्न होने का कारण हूँ। जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह रूप का एक बहुत ही छोटा सा अंश मात्र है। मेरी विभूतियाँ तो वास्तव में बहुत ही विस्तृत हैं, लेकिन हे पार्थ, तुझे इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तू तो बस इतना सा जान ले कि मैं अपने छोटे से अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाले रहता हूँ। साथियों, साधारण मनुष्य को भगवान के बारे में विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वह तो सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके अच्छे मन से अपने कर्म को पूरा करें। साथियों, भगवान और उसकी शक्तियों के बारे में शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने इस अध्याय में के कई अनावश्यक बातों को अपने वीडियो में शामिल नहीं किया है, जिससे आपका समय बचे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो को बिना किसी व्यवधान के पाते रहें। और जिन साथियों ने इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें धन्यवाद। वो साथी इस वीडियो को शेयर कर इसे अन्य साथियों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसा ज्ञान उन्हें YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो या चैनल को लेकर कोई सलाह या सुझाव हो
तो कमेंट कर उसे अवश्य बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।